हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे आवर मैथ्स क्लास चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है हमने इसमें, तो लास्ट पार्ट करते हैं पहले। लास्ट पार्ट है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। पहले है एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट से, लिखेंगे पहले ऐसे क्योंकि मिस्टेक नहीं होगी। फिर प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस, फिर एक्स को करेंगे इस कंप्लीट से देन माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस। नेक्स्ट वाई को एक्स से करेंगे एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। लास्ट में ये करेंगे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें चेक करेंगे कोई टर्म कैंसिल हो सकती है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई से प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और कोई टर्म नहीं है। एक्स वाई प्लस है, ये भी प्लस है। एक्स वाई प्लस एक्स वाई टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर। उसको लिख सकते हैं टू कॉमन लेके एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है। एक पार्ट और करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2q मल्टीप्लाई बाय 3p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 8 माइनस 3p मल्टीप्लाई में पी माइनस क्यू। 2q को मल्टीप्लाई 3p से 2 3 6 पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 3 6 पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 8 16 क्यू माइनस 3p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3p क्यू। कोई भी टर्म इसमें लाइक टर्म नहीं है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या कोई आपस में टर्म कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि सभी क्या डिफरेंट टर्म है। सो मतलब ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इवैल्यूएट द फॉलोइंग आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इवैल्यूएट करना है पहले सिंप्लीफिकेशन के बाद, मीन्स पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो इसमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल वैल्यू वो पुट करनी है। लास्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। फोर्थ का सॉल्यूशन 7x माइनस 7x कंप्लीट मल्टीप्लाई इसे 7x को पहले मल्टीप्लाई 2x प्लस 3/7x³। नेक्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
टू एक्स प्लस थ्री बाई सेवन एक्स क्यूब। अब मल्टीप्लाई करेंगे, टू सेवन जा 14 एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सेवन जा 21 अपॉन में 7 एक्स रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि 3 पावर यहाँ पर है, 1 पावर ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। माइनस एक्स को करेंगे 2x क्यूब माइनस 3 बाय 7 एक्स रेज़ टू द पावर 5, ये कैंसिल हो सकता है, 7 थ्री जै 21। कैंसिल करने पर आ गया 14 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स रेज टू द पावर 4 टू एक्स क्यूब माइनस 3 बाय 7 एक्स रेज टू द पावर 5। हमारे पास क्या एक्स इक्वल्स टू 2, पुट एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, इसमें 14 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की रेस टू द पावर 4 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 3 2 रेस टू द पावर 4, ये आ गया 14 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 4 16 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 3 8 माइनस 3 बाय 7 इंटू 2 रेस टू द पावर 30 2 14 4 जा 56 प्लस 16 3 जा 48 माइनस 16 माइनस 96 बाय 7 56 में 48 को ऐड किया 14 5 9 5 4 9 1 10 16 क्या क्या इसमें से माइनस 14 6 8 9 1 8 अब है हमारे पास 88 माइनस में 96 बाय 7। इसे आगे सिंपलीफाई करने के लिए बाय टेकिंग एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा, 88 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 96। 88 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 5 कैरी, 7 8 जा 56 और 5 61 ये आ गया 616 माइनस 96 अपॉन में 7। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद हमें माइनस करना है 616 में से 96 को माइनस 660 11925 अपॉन में 7, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एंड जो पार्ट रह गए हैं वो भी हमने इसी तरह से सोल्व करने हैं, हमें पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, नेक्स्ट उसके बाद उसमें एक्स वाई जेड जो भी समथिंग वैल्यू गिवन है उसको पुट करना है। थैंक यू।